वेलकम बैक टू गुरुश्री। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, हम लोग 1 तारीख से 9th से लेकर के 12th तक की लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, गुरुश्री के नाम से हमने एप्लीकेशन बना रखी है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, और आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको उसमें नोट्स मिल जाएंगे, हमारी वीडियोस रेगुलर मिलेगी, और आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि आप उन बच्चों तक ये बात पहुँच जाए कि 1 तारीख से उनकी लाइव क्लासेस फ्री में बिल्कुल स्टार्ट हो रही है। कोरोना पीरियड के चलते हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे आप लोगों को, ताकि बच्चे जो है अभी डिप्रेशन में जा रहे हैं तो उससे उनको ये प्रॉब्लम भी ना होगी और उनकी आदत भी ना बिगड़ेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। तो देखिए, दो या दो से अधिक चीज़ें मिल करके कोई नई चीज़ का निर्माण करती है, ठीक है, उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। लेकिन फिजिकल मेथड क्या है, फिजिकल मेथड से उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये, फिजिकल मेथड्स क्या है, फिजिकल रिएक्शंस क्या है, मैग्नेटिज्म, जैसे धूल और जो मिट्टी और खील को अलग करने के लिए हमको चुंबक की ज़रूरत पड़ती है ना, ताकि चुंबक के से खील चिपक जाए और मिट्टी मिट्टी अलग हो जाए। इसके अलावा फिल्ट्रेशन, आटा जब छानते तो बड़े टुकड़े गेहूँ के अलग हो जाते हैं और जो आटा रहता है वो बारीक आटा वो अलग हो जाता है ना। या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तब क्या होता है, पानी और कपड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्रूड ऑयल वगैरह में इनमें यूज़ होती है, जिसका हर चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है और बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वो चीज़ अलग हो जाती है। इवेपोरेशन, पानी में नमक होता है समुद्र के, है ना, तो समुद्र के पानी से नमक को कैसे अलग किया जाता है, नमक को, पानी को जो रहता है वो धूप में रखते हैं और धूप से पानी जो रहता है इवेपोरेट होकर के वेपर बन करके हवा में उड़ जाता है और नीचे नमक जम जाता है, ठीक है। तो इससे पानी, अच्छा पानी, स्वच्छ पानी और नमक दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, देखिए केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो हमको ऐसे पता चलता है उसमें उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये कि जो सॉलिड रहेगा उससे लिक्विड में चेंज हो जाएगी, या फिर लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगी, या फिर गैस से सॉलिड में चेंज हो जाएगी, या किसी भी तरीके से उसकी अवस्था जो रहेगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा उसका कलर भी चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, मतलब पीले से लाल हो गया या लाल से हरा हो गया इस तरीके से, ठीक है। या फिर इवोल्यूशन इन गैस का इवोल्यूशन भी होगा, मतलब क्या, गैस की उत्पन्नता होगी उसमें, मतलब ये कि कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो उसमें से गैस के बुलबुले निकलेंगे, है ना। या फिर चेंज इन टेम्परेचर, वो चीज़ गर्म हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अब कैसे क्या हो रहा है। देखिए, हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है, डाइजेशन ऑफ फूड होता है जब, ठीक है, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा क्या होता है, डाइजेशन होता है खाने का, ठीक है, मतलब हम खाते कुछ और चीज़ है और निकलता कोई और चीज़ है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है, हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, लेकिन छोड़ क्या रहे, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पर भी क्या चेंज हो रहा है, और हमारी बॉडी के अंदर इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, इससे इतनी गर्मी पैदा हो रही है, क्यों, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है, वहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है ना। रशन ऑफ आयरन, देखिए ये आयरन जो है इसका रशन हो रहा है, इसमें जंग लग रही है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जब भी हम दही बनाते हैं तो रात को दूध में थोड़ा सा दही रखते हैं, जिससे क्या होता है, सारा जो दूध होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी हम लोग क्या करते है कि ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, अब केमिकल रिएक्शन को हम लोग जब बैलेंस करते तो कैसे करते हैं, देखिए कुछ रिएक्टेंट होते हैं, उसमें रिएक्टेंट्स जब मिलते हैं तो जो लोगों को जोड़ा जाता है वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, और जो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। देखिए, तो क्या होता है, हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, 2+2 होता है 4, ठीक है, तो ये जो 2 और 2 है ये हो गए हमारे रिएक्टेंट, है ना, इन दोनों को जोड़ा तभी 4 बना है और ये 4 हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट क्या होता था, सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पैदा होता है, ठीक है, तो ये 4 है ना, यहाँ पर ये हो गया। अब एग्जाम्पल इसका एक ले लेते हैं, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्नड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, कभी भी कोई चीज़ जलती है तो वो ऑक्सीजन की मदद से जलती है ना। अब वो जो चीज़ जलती है वो हो जाती है ऑक्सीजन के साथ, जब रिएक्ट करती है तो वो ऑक्साइड हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट मिला,
ठीक है, एक रिएक्टेंट मैग्नीशियम मिला, एक दूसरा रिएक्टेंट मिला ऑक्सीजन, ठीक है, और दोनों मिलकर के क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया इन लोगों ने, ठीक है। अब देखिए ये रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट मिलकर के इस प्रोडक्ट का निर्माण करा इन लोगों ने। अब देखिए क्या हो रहा है, अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। अब क्या हो रहा है, केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल रिएक्शन होती है इसको केमिकल इक्वेशन की मदद से हम लोग दर्शाते हैं। किस तरीके से, इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि हम इनका सिंबल का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए आपने यहाँ पर देखा जो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कितना बड़ा बड़ा लिखना पड़ा हमको, और मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बड़ा लिखना पड़ा, तो हम इसकी जगह पे क्या करेंगे कि शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे जो इनको दर्शा भी दे और समझ में भी आ जाए, ठीक है। जैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, और इसके अलावा फिजिकल स्टेट की भी जरूरत है। फिजिकल स्टेट क्या होती है, वो चीज़ जो है वो सॉलिड है ना, या फिर वो लिक्विड है, या फिर गैस है, या फिर एक्वस है। एक्वस जो होता है वो होता है सॉल्यूशन, है ना, जो पानी में घुला हुआ हो, पानी में जो भी कोई भी चीज़ घुली हुई हो उसको कहते हैं सॉल्यूशन। जैसे हम सर्फ को पानी में घोलते हैं, या नमक को पानी में घोलते हैं, शक्कर को पानी में घोलते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, पानी में घुल जाती है। अब देखिए एक्वस जो होता है उसमें ऐसा होता है कि पानी की ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए और जो चीज़ घुल रही है उसमें उसकी कम मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। अगर जो चीज़ घुल रही है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है, ठीक है। जिस तरीके से अगर नींबू पानी बनाना होता है तो हम नींबू की कुछ बूंदें लेते हैं एक ग्लास वाटर में, ठीक है। लेकिन अगर हम उल्टा करें, है ना, कि एक ग्लास नींबू का जूस ले और उसमें दो चार बूंदें अगर पानी की मिला रहे तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे, तो अभी अगर आपको नहीं भी समझ में आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैग्नीशियम रिबंड बर्नड इन एयर, ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए हमने ऐसे सिंबल्स का यूज़ करा है यहाँ पर, मैग्नीशियम के लिए Mg यूज़ कर लिया, ऑक्सीजन के लिए O2 का यूज़ करा हमने, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO का यूज़ कर लिया, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर इन चीज़ों को भी दर्शाया है, क्या कि ये मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम रिबन है। देखिए मैंने जो ये है एक्सपेरिमेंट, अब मैं आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, हमने वीडियो बना रखी है इसकी, तो आपको एक्सपेरिमेंट मिल जाएगी, ठीक है। हम लोग सारे एक्सपेरिमेंट्स के वीडियो करके आपको यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग फ्री में इसको पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। ओके, अब ऑक्सीजन जो है वो गैस के फॉर्म में होती है, ठीक है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगा ये पाउडर के फॉर्म में हमको मिलेगा। पाउडर भी सॉलिड का ही एक फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिख दिया, लेकिन देखिए इसको जो ये है इसकी फिजिकल जो रहती है, हमको फिजिकल अवस्था इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं, फिजिकल स्टेट को, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन हाँ इससे बेटर समझ में आ जाता है। अब देखिए हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, संतुलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ जो रहता है, द्रव्यमान जो रहता है उसका, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी ना विनाश होगा उसका ना वो पैदा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो कंक्लूजन है इसका, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो मतलब कि अगर यहाँ पर दो है तो यहाँ पर भी दो ही होगा, यहाँ पर ये नहीं हो सकता यहाँ पर तीन हो, यहाँ पर दो हो, या फिर यहाँ पर दो हो और यहाँ पर तीन हो, है ना, इस तरीके से नहीं हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल सेम ही रखना पड़ेगा दोनों को। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए कि अगर इस तरीके से हम लोग करेंगे, मतलब एक तराजू के तरफ हमने रिएक्टेंट रख रखे और एक तरफ प्रोडक्ट रख रखा है, जो रिएक्टेंट है वो भारी है और जो प्रोडक्ट है वो हल्का है, तो यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन फेल हो जाएगी, ठीक है। या फिर इसके अलावा दूसरी कंडीशन हम लेकर के देखते हैं कि अगर रिएक्टेंट हल्का है और अगर प्रोडक्ट भारी है तो यहाँ पर भी रिएक्शन हमारी फेल हो जाएगी, ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं कहलाएगी। तो फिर क्या कहलाएगी, केमिकल रिएक्शन, ये मतलब दोनों बिल्कुल इक्वल रहना चाहिए, है ना, मतलब अगर यहाँ पर जितना भार है वहाँ यहाँ पर भी उतना ही भार होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में कोई भी जो एटम्स होते हैं वो जो मरते नहीं है ना पैदा होते, ठीक है। अब देखिए कैसे केमिकल रिएक्शन बनती है, केमिकल इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो एक हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, Fe मतलब कि आयरन प्लस वाटर H2O। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली कि ये साइन का बहुत ज़रूरत रहता है, ये जो साइन होता है ये दर्शाता है कि हमारी इक्वेशन किस तरफ
है ना, हम लोग किस तरफ केमिकल रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट की साइड क्या है, ठीक है। तो अब देखिए Fe3O4 प्लस H2 हमको ये मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम दोनों को, इसको बैलेंस करना है हमको केमिकल इक्वेशन को। तो देखिए इसका एक शॉर्ट फार्मूला ये होता है कि आप सबसे ज़्यादा किसके एटम्स है उसको देख लीजिए। तो हमको यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटम्स देखने को मिल रहे हैं ऑक्सीजन के, यानी कि 4 है ना, और वो किस साइड मिल रहे हैं, वो प्रोडक्ट की साइड मिल रहे हैं। ये प्रोडक्ट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है ना। तो हमको प्रोडक्ट साइड में मिल रहे ऑक्सीजन का ये है, तो हमको कितने मिल रहे, ऑक्सीजन के 4 मिल रहे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के कितने हैं, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लगा देते 1 है ना। अब बैलेंस तो है नहीं, तो इसको भी हमको 4 करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जा करके बैलेंस होगा, 4 और 4 होगा। अब यहाँ पर हमने ये 1 लगाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 4 कर देंगे इसको, है ना, इसको हम 4 कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो हमको भी यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा। 1 × 4 करेंगे, 1 × 4 करेंगे, तो कितना आता है, 4 ही आंसर आता है ना। अब हाइड्रोजन जो है 2 है, यहाँ पर भी 2 है हाइड्रोजन, है ना, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन अब हम इसका 2 × 4 करेंगे, 2 × 4 करेंगे, तो हमारा आंसर आता है 8, है ना। तो यहाँ पर तो ये हो गया 8 और यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर भी हमको कितना करना पड़ेगा, हमको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये कि भैया 4 जो है यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर 4 हो गया, तो दोनों 8 हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हम, जो आयरन है, आयरन को हमको कैसे चेंज हुआ है। अब आयरन जो है, आयरन पहले कितना था, 1 था, ठीक है, आयरन यहाँ पर कुछ नहीं है, है ना, लेकिन यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर 3 है, तो हमको यहाँ पर भी 3 ही करना पड़ेगा, × 3 कर देंगे, तो हम यहाँ पर भी 3 लगा देंगे, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा ये, 1 × 3 = 3। तो अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 3, ये 3, ये 8, ये 8, ये 4, ये 4, मतलब कि हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। तो आई होप आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना अब आ गई होगी अच्छे तरीके से। अगर नहीं आई है तो भी आप लोग इस वीडियो को 2-4 बार देखिएगा, आ जाएगी। इसके अलावा हम चैप्टर को भी ढंग से आपको पढ़ाएंगे, है ना, ओके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग हमको कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमको सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इस वीडियो को जितने भी बच्चे हैं उन तक पहुंचा दीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, वो लोग लाइव पढ़ सके हमारे साथ हमारी एप्लीकेशन पर, और वो नोट्स का पूरा फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही थी, ओके, थैंक यू।